मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स फ्रूट सैंडविच, जो बहुत ही डिफरेंट और फायरलेस रेसिपी है। उसके लिए हमें चाहिए ब्रेड की दो स्लाइस लिए हैं मैंने इस तरह से, और इसके कॉर्नर मैंने कट कर लिए हैं। फिर उसके बाद हमें फ्रूट्स चाहिए, इसमें मैंने एप्पल लिया है, इसे मैंने इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है, इसे पील नहीं करना है हमें। फिर उसके बाद मैंने बनाना लिया है, उसे भी इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। मिक्स फ्रूट जैम लिया है मैंने, कीवी ली है उसे भी स्लाइस में कट कर लिए, पोमोग्रेनेट लिए हैं उसके दाने निकाल लिए मैंने। फिर मैंने पियर लिया है, उसे भी मैंने इस तरह से स्लाइस में काट लिया है। आप चाहे तो आपके पसंद के और भी फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन मैंने थोड़े मीठे और खट्टे इस तरह से फ्रूट का कॉम्बिनेशन किया है, जिससे सैंडविच का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और थोड़ा सा हमने चाट मसाला लिया है सैंडविच पर डालने के लिए। अब हम सैंडविच को असेंबल कर लेते हैं। सैंडविच को असेंबल करने के लिए हमें दोनों स्लाइस पे पहले हम जैम लगा लेंगे। मैंने जैम लगा लिया है, अब इसे अच्छे से स्प्रेड कर देना है हमें ब्रेड पे। देखिए मैंने अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया है, इसी तरह दोनों ब्रेड पे हम स्प्रेड कर लेंगे जैम को। ये मैंने मिक्स फ्रूट जैम लिया है, दोनों ब्रेड पे जैम लगा लिया है। अब हम फ्रूट को अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले मैं एप्पल की स्लाइस रख लूंगी। अब हमें बनाना अरेंज कर लेना है इसमें। आप अपने हिसाब से कोई भी फ्रूट कम ज्यादा कर सकते हैं फ्रेंड्स। कीवी ले लूंगी मैं। अब जो पियर है वो ले लेंगे। अब इस पे हम कुछ अनार के दाने डाल लेंगे, यानी कि पोमोग्रेनेट। आप चाहे तो बीच में भी डाल सकते हैं अनार के दाने। और थोड़ा सा हम चाट मसाला डाल लेंगे, इससे टेस्ट अच्छा आता है, खट्टा मीठा और थोड़ा सा तीखा टेस्ट आता है। ये सैंडविच को बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है, इसलिए चाट मसाला डालना आप ना भूलें। अब सैंडविच को पैक कर लेंगे हम इस तरह से। अब हम इसके पीस कर लेंगे। आप मनचाहे आकार में इसके पीस कर सकते हैं, पीस थोड़ा हमें आराम से करना है क्योंकि इसके अंदर फ्रूट है। मैंने पीस कर लिए है। अब देखिए मैं सर्व करने के लिए इस तरह से जैम लगा रही हूँ दो पीस पे। आप चाहे तो इसे अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन बच्चे ये देख के जल्दी से खा लेंगे। देखिए मैंने दो स्लाइस ऐसे ही रहने दी है, दो पे जैम लगा लिया है। अगेन हम इस पे थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे, वाइट पे भी डाल देंगे और रेड वाले पे भी डाल देंगे। तो हमारी मिक्स फ्रूट सैंडविच तैयार है, अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी मिक्स फ्रूट सैंडविच रेडी है। आप देख सकते हैं कितनी चटनी सैंडविच बनाने के लिए हमें सबसे पहले चटनी बनानी होगी। चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए धनिया, हरा धनिया लिया है मैंने, उसे पानी में डुबो के रखा है जिससे ऐसा फ्रेश और ग्रीन रहेगा। ग्रीन चिली ली है मैंने 3 से 4, या आप कम ज्यादा अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन मुझे चटनी सैंडविच के अंदर लगानी है इसलिए मैं थोड़ी तीखी चटनी बनाऊंगी। फिर मैंने पीनट लिया है, इसे सेक कर और छील लिया है मैंने, 1 टेबल स्पून पीनट लिया है। लेमन जूस लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। जीरा पाउडर है 1/2 टीस्पून। सॉल्ट टेस्ट के अनुसार लेंगे। शुगर लेंगे 1 टीस्पून। अब सैंडविच बनाने के लिए मैंने ली है ब्रेड, मैंने 3 से 4 स्लाइस ब्रेड की ली है। मैंने व्हीट ब्रेड लिया है, आप चाहे तो रेगुलर ब्रेड भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। बटर लिया है मैंने 2 टेबल स्पून। 3 से 4 मैंने चीज की क्यूब ली है, आप इसे भी कम ज्यादा कर सकते हैं फ्रेंड्स, पर ये चीज सैंडविच है इसलिए इसमें चीज ज्यादा अच्छा लगता है। और चाट मसाला लिया है। अब सबसे पहले हम चटनी बना लेंगे सैंडविच के लिए। उसके लिए एक मिक्सर जार में कोथमीर ले लेंगे। अब इसमें ग्रीन चिली ली थी वो डाल देंगे। रोस्टेड पीनट डाल देंगे। ये चटनी आप व्रत में भी खा सकते हैं फ्रेंड्स,
शुगर डाल देंगे, शुगर ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालिए वरना अवॉइड कर सकते हैं फ्रेंड्स। जीरा पाउडर डाल देंगे, सॉल्ट डाल देंगे टेस्ट के अनुसार, और लास्ट में हम लेमन जूस भी इसी में डाल देंगे, इससे चटनी का कलर ग्रीन रहता है। अब मैं चटनी को पीस लेती हूँ। देखिए मैंने चटनी बना ली है, कितना अच्छा ग्रीन कलर आया है चटनी का। अब हम सैंडविच बना लेते हैं फ्रेंड्स। अब हम पहले सैंडविच असेंबल कर लेंगे। सबसे पहले ब्रेड पर हम बटर लगा लेंगे। आप ब्रेड के किनारे निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, मैं नहीं निकालती हूँ, ये अच्छी लगती है, क्रिस्पी होती है तो खाने में। पहले स्लाइस पे बटर लगा लेंगे अच्छी तरह से। बटर लगा लिया है, अब इस पे चटनी लगा लेंगे। चटनी और बटर को स्प्रेड कर देना है पूरी ब्रेड पे अच्छी तरह से। अब इस पे चीज कस लेंगे हम। चीज कम ज्यादा कर सकते हैं आप फ्रेंड्स। मैं एक लेयर पे एक चीज क्यूब डाल रही हूँ, इसे स्प्रेड कर देंगे। अब जो दूसरी ब्रेड है वो रख देंगे इसके ऊपर। अब इस पे भी बटर लगा लेंगे। अगेन चटनी लगा लेंगे। अगेन चीज की लेयर। अब इस पे थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे। फिर से एक ब्रेड ले लेंगे, इस पे बटर लगा लेंगे। मैंने सैंडविच मेकर को पहले से गर्म करने रख दिया था, ये गर्म हो चुका है। अब इसमें हम सैंडविच डाल देंगे। पहले इसमें भी हम बटर लगा लेंगे क्योंकि हमने सैंडविच में नीचे बटर नहीं लगाया है। अब इसमें हमारी सैंडविच रख देंगे और इसे ग्रिल होने देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हमारी सैंडविच ग्रिल हो चुकी है। देखिए कितनी अच्छी ब्राउन हुई है ये। अब जब भी इस तरह की ग्रिल हो जाए तो फिर इसे टर्न करके और ऐसा कर देंगे और ग्रिल होने देंगे 5 मिनट और। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, अब हमारी सैंडविच ग्रिल हो चुकी है। देखिए हमारा इस तरह से टर्न करने का रीजन यही था कि इस पे कितनी अच्छी डिजाइन आ गई है स्क्वायर में। अब हमारी सैंडविच तैयार है, मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी है एकदम यमी और चीजी चीज चटनी सैंडविच। चाइनीज सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए नूडल्स। मैंने नूडल्स का थोड़ा चूरा कर लिया है क्योंकि हमें स्टफिंग बनाना है इसकी। फिर ब्रेड की स्लाइस मैंने 4 ली है। गाजर मैंने फाइनली चॉप कर लिया है बारीक बारीक। कैबेज है, कैप्सिकम है ग्रीन वाला, ओनियन, रेड टोमेटो सॉस, रेड चिली सॉस, सोया सॉस, जो रेडीमेड पाउडर आता है नूडल्स का वो पैकेट में, सॉल्ट और ब्लैक पेपर। सबसे पहले पैन में 1 ग्लास पानी बॉईल करने रख देंगे। पानी बॉईल हो चुका है, इसमें 1 से 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे, थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे और जो नूडल्स है वो डाल देंगे और मिक्स करके इसे 5 मिनट तक के बॉईल कर लेंगे। 5 मिनट हो चुका है, हमारे नूडल्स पक चुके हैं अच्छे से। अब मैं इसका पानी निकाल लेती हूँ। स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले ऑयल लेंगे 1 से 2 चम्मच। ऑयल गरम हो चुका है, इसमें ऑनियन डालेंगे, इसे हाई फ्लेम पे पकाना है। कैप्सिकम डालेंगे, कैरेट,
इसे बस आधे घंटे 1 से 2 मिनट पकाना है। थोड़ा सा सॉल्ट, मैगी मसाला जाता है वो, ब्लैक पेपर, इन तीनों को डाल के मिक्स कर देंगे। सोया सॉस हमें थोड़ा सा ही डालना है, हमने सॉल्ट डाल चुके हैं इसलिए। रेड चिली सॉस, ये आपके टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप। टमाटो सॉस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो नूडल्स हमने बॉइल किए थे वो डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी स्टफिंग रेडी है। अब मैं इसे एक बाउल में खाली कर लेती हूँ। अब सैंडविच को असेंबल कर लेंगे। सबसे पहले ब्रेड पर हम, मैंने रेड चिली सॉस और टोमेटो सॉस को मिक्स कर लिया है, थोड़ा सा लगा लेंगे। जो हमने स्टफिंग बनाई थी वो डाल देंगे। दूसरी ब्रेड से कवर कर देंगे। इसी तरह से दूसरा भी रेडी कर लेंगे हम। देखिए दोनों सैंडविच रेडी है। अब हम इसे सेक लेते हैं। मैंने टोस्टर ऑन करके रख दिया है पहले से ही। टोस्टर गर्म हो चुका है, इस पर घी अप्लाई करेंगे। मैं घी लगा रही हूँ, आप इसकी जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं, आपके घर में जो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर भी लगा देंगे अच्छे से। अब इसे 5 से 7 मिनट तक के लिए कुक कर लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए फ्रेंड, हमारी चाइनीज सैंडविच रेडी है, अच्छी क्रिस्पी। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। लीजिए फ्रेंड्स, हमारा चाइनीज सैंडविच रेडी है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और यमी है। पानीनी सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड की स्लाइस, सैंडविच स्प्रेड मैंने लिया है, फिर कैबेज है, ऑनियन है, ग्रीन कैप्सिकम है, इसकी जगह आप रेड और येलो भी यूज़ कर सकते हैं, कैरेट है, सॉल्ट है, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं, ब्लैक पेपर है, ग्रीन चिली का पेस्ट है, और मैंने घी लिया है, इसकी जगह आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, और चिली फ्लेक्स और ऑरेगेनो लिया है। आइए हम बनाते हैं पानीनी सैंडविच। एक बाउल में सबसे पहले मैं कैबेज लूँगी 1 चम्मच, ऑनियन 1 चम्मच, कैप्सिकम 1 चम्मच और कैरेट 1 चम्मच। फ्रेंड्स, ये मैं 2 सैंडविच के हिसाब से बना रही हूँ। आप ज़्यादा बनाएंगे सैंडविच तो आप उस हिसाब से नाप ले सकते हैं कम या ज़्यादा। अब इसमें ग्रीन चिली, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, इसे मिक्स कर लेंगे। और इसमें चिली फ्लेक्स, स्पाइसी बनाना हो तो चिली फ्लेक्स ज़्यादा ऐड कर सकते हैं,
और आप अपने हिसाब से कम भी डाल सकते हैं। फिर ऑरेगेनो, ये भी कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें सैंडविच स्प्रेड ऐड करेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे सभी को अच्छी तरह से। देखिए अभी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसे मैं ब्रेड स्लाइस पर अप्लाई करूंगी। इसे बराबर चारों तरफ लगा लेना है। इसी तरह हम दूसरी भी रेडी कर लेंगे। देखिए हमारी दोनों सैंडविच रेडी है। अब इसे हम टोस्टर में टोस्ट करने के लिए रख देते हैं। ऊपर हम घी लगा लेंगे। ब्रेड के दोनों साइड हमने घी लगा लिया है। इसे 5 मिनट के लिए टोस्ट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारी सैंडविच अच्छी क्रिस्पी हो चुकी है। हमारी क्रिस्पी सैंडविच रेडी है। इसे निकाल लेते हैं और मैं सर्व कर लेती हूँ। रेडी है क्रिस्पी पानीनी सैंडविच जो खाने में बहुत ही यम्मी लगती है और फटाफट से तैयार हो जाती है। इसे मैंने मायोनीज और रेड सॉस का डिप बनाकर सर्व किया है। थैंक यू। बनाने के लिए हमको चाहिए ब्रेड के स्लाइस जो मैंने 2 स्लाइस लिए हैं, फिर ककड़ी, प्याज जो मैंने रिंग में भी काटे और स्लाइस में भी काटे हैं, और ग्रीन चिली का मैंने कटर में किया है उसको क्रश। रेड टमाटो की स्लाइस चाहिए, कैप्सिकम चाहिए, ग्रीन कैप्सिकम ली है उसकी भी मैंने स्लाइस करी है, और बीट है, बीट रूट की भी मैंने स्लाइस करी है। फिर हमें 2 पोटैटो मैंने बॉईल करे हैं और उन्हें मैश किया है। फिर मैंने घी लिया है, आप घी की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन चटनी है, चाट मसाला है, चीज़ है, रेड चिली पाउडर है, हल्दी है और सॉल्ट है, और मेयोनीज है। वाइट वाला मैंने सिंपल मेयोनीज लिया है। आइए हम बनाते हैं क्रब सैंडविच। उसके लिए हमें एक पैन में 1 टेबल स्पून घी चाहिए। जब हमारा घी थोड़ा गर्म हो जाए उसमें हम ऑनियन डालेंगे। ऑनियन को हमको लाइट ब्राउन करना है। अब देखिए हमारा ऑनियन हल्का गुलाबी रंग का हो गया है। अब हम इसमें ग्रीन चिली डालेंगे जो मैंने क्रश की हुई है। इसमें हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, आधा चम्मच सॉल्ट, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर, और उसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें जो मैंने पोटैटो बॉईल करे हैं वो डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे 2 मिनट तक चलाएंगे।
हमारा सैंडविच का स्टफिंग रेडी है। अब इसे मैं एक बाउल में खाली कर लूंगी। पहले मैं ब्रेड की स्लाइस पे ग्रीन चटनी लगाऊंगी। अब उस पे आलू मसाला लगाऊंगी। देखिए अच्छे से हमने इस पे मसाला लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम कैप्सिकम की स्लाइस, टोमेटो स्लाइस, ऑनियन स्लाइस, ककड़ी की स्लाइस, बीटरूट की स्लाइस, सभी रखकर और थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह से। अब इसमें मेयोनीज डालेंगे। अब हमारा टोस्टर गर्म हो चुका है। थोड़ा सा घी लगाएंगे। उस पर हमारी ब्रेड की स्लाइस रख देंगे। दूसरी ब्रेड की स्लाइस भी रख देंगे। उस पर भी ऊपर हम घी लगा देंगे अच्छे से। घी की जगह आप बटर भी लगा सकते हैं। और अब इसे हम 5 मिनट के लिए ग्रिल करने के। अब हमारा क्लब सैंडविच रेडी है। देखिए अब हम इसे निकालेंगे। ये सब पककर ऐसा लाइट ब्राउन होना चाहिए। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसके पीस कर लेंगे। ऊपर थोड़ा चीज कस लेंगे हम और थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेंगे। देखिए हमारा क्लब सैंडविच रेडी है। इसके साथ खाने के लिए मैंने एक डिप बनाया है जो ग्रीन चटनी और वेज मेयोनीज से रेडी किया है। थैंक यू फ्रेंड्स।